हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक्नो कीमा। दिस इज कीमा आनंद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर से ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस के बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, अभी मैं आया हूँ नेहरू प्लेस में। यहाँ पर हमने सभी ग्राफिक कार्ड लगा दिए हैं और प्राइस कवर करने वाले हैं और हमें प्राइस बताने वाले हैं आशीष भैया। तो भैया, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। तो अभी जो है ग्राफिक कार्ड का मार्केट कैसा चल रहा है? गेमिंग कंप्यूटर ग्राफिक कार्ड के सर प्राइस बहुत डाउन हो चुके हैं इस टाइम, और जो भी हमारे गेमर्स थे वो कार्ड ले नहीं पा रहे, तो ये मौका है अब खरीदने का कार्ड्स। तो अब इस टाइम बाजार में कार्ड्स का प्राइस बहुत कम हो चुका है, तो इस टाइम आप ले सकते हैं कार्ड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो एक बार आपने यहाँ पे कंपनी के बारे में बता दीजिए। जैसे कि मेरी कंपनी का नाम है सनराइज कंप्यूटर। हमारा एड्रेस है 201 मंजूषा बिल्डिंग, बिल्डिंग नंबर 57। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? हमारे पास गेमिंग कंप्यूटर से लेकर नॉर्मल कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ब्रांडेड, और हमारे पास पेरिफेरल्स भी होते हैं। जैसे आप सिंगल कार्ड लेना चाहो और SMPS लेना चाहो तो हमारे पास कॉर्सर का भी स्टॉक होता है, और जोटेक में हमारे पास सारे कार्ड अवेलेबल है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अभी जो है आप मतलब किसी को पीसी बिल्ड वगैरह करवाना है तो आप करवा दोगे? बिल्कुल सर, 201 मंजूषा बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, आप आ सकते हैं सनराइज कंप्यूटर में। यहाँ पे गेमिंग कंप्यूटर हम आपको बना के देते। ठीक है, और बाहर के कस्टमर के लिए शिपिंग वगैरह हो जाएगा? शिपिंग वगैरह सर सारी फैसिलिटी है हमारे यहाँ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको नंबर दिख जाएगा, वहाँ से आप इंक्वायरी ले सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे आ भी सकते हैं नेहरू प्लेस में। तो अभी प्राइस स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर जो ग्राफिक कार्ड है अभी, उनमें सबसे बेसिक कार्ड कौन सा है? सबसे बेसिक कार्ड मिल जाएगा सर आपको 710 GB का, जो कि डिस्प्ले के लिए काम आता है। जैसे F वाले प्रोसेसर आते हैं तो उनके डिस्प्ले के लिए ये काम आता है, तो सबसे नॉर्मल कार्ड यही है, सबसे बेसिक। ठीक है, क्या प्राइस रहता है इसका? प्राइस है सर 3400। ठीक है, 2 GB का 710। ठीक है, इसके बाद कौन सा? इसके बाद आते हैं सर 730, 4 GB का कार्ड होता है, लो प्रोफाइल कार्ड होता है। नॉर्मल, बहुत बिल्कुल बेसिक जो गेमिंग होती है वो नॉर्मल हम इसमें कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी डिस्प्ले के लिए ही काम आता है। ठीक है, इसका क्या प्राइस होगा? इसका प्राइस है सर 7100। ठीक है, जोटेक का। हाँ जी, इसके बाद कौन सा कार्ड होगा? इसके बाद सर आएगा अपना 1650, 4 GB, DDR6 होता है। ये नॉर्मल बेसिक गेमिंग के लिए, जिनको नॉर्मल पबजी वगैरह खेलनी है और मतलब बेसिक गेमिंग खेलनी है, मतलब ठीक ठाक गेमिंग हो जाती है इसमें भी, तो ये भी अच्छा कार्ड है। तो ये आपको मिल जाएगा 13000 रुपए का, 13000 का 1650 जोटेक। ठीक है, उसके वाला यहाँ पे एक और है इनो 3D का सर, ये वाला मिल जाएगा आपको 12800 का। जैसे कि मैंने बताया, नॉर्मल गेमिंग, बेसिक पबजी वगैरह, नॉर्मल बेसिक सॉफ्टवेयर जो होते हैं करने हैं, तो उसमें भी ये चल जाएगा। इसके बाद कौन सा कार्ड होगा? इसके बाद आएगा सर 3050। ये 8 GB का कार्ड होता है, पीछे काफी अच्छा बिका ये कार्ड, काफी 3060 वगैरह काफी महंगे थे, तो इस कार्ड की डिमांड ज्यादा थी, तो अभी प्राइस भी इसका अपने अच्छे लेवल पे आ गया है, तो इसमें भी गेमिंग अच्छी हो जाती है ठीक ठाक। एक 3060 की जगह 3050 ले रहे थे लोग जब सस्ता था, तो ठीक ठाक गेमिंग हो जाती है। ये मिल जाएगा सर आपको 24500 का, इनो 3D। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उसके बाद आ गया सर अपना जोटेक का भी है का। ये कितने का होगा? ये भी सर 8 GB का कार्ड है, जैसे मैंने बताया आपको इनो 3D में, तो ये भी अच्छी गेमिंग है, 5 ईयर वारंटी होती है। ये मिल जाएगा आपको 25000 रुपए का सर। ठीक है, तो इसके बाद कौन सा कार्ड होगा? इसके बाद हम आते हैं 3060, 12 GB, RTX कार्ड है, जैसे कि ये OC ट्विन एज OC है, OC वर्जन। आप इसमें अच्छे लेवल पे गेमिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं और 2K लेवल पे गेमिंग कर सकते हैं। जैसे कि इसका प्राइस जो है, प्राइस होगा इसका 29000 रुपए। ठीक है, 29000। ठीक है, 12 GB का, 5 ईयर्स वारंटी, 5 ईयर वारंटी होती है। ठीक है, इसके बाद कौन सा कार्ड होगा? इसके बाद आते सर हम 3060 Ti। मेन जो डिजाइनर होते हैं, गेमर्स जो होते हैं, जिनको स्ट्रीमिंग करनी है, लाइव स्ट्रीमिंग करनी है और अच्छे लेवल पे 4K 2K वगैरह की गेमिंग करनी है, इस पे सारी गेम चलेगी, जितनी भी आपकी सारी गेम चलेगी। आज से 6 महीने 7 महीने पहले दबा के कार्ड बिकता था, अब थोड़ा प्राइस डाउन हो चुका है, तो गेमर्स जो है इस कार्ड को ले सकते हैं। 1.25 लाख के PC के लिए ये कार्ड बेस्ट है, सबसे ज्यादा कार्ड यही बिका है। ठीक है, प्राइस तो क्या बताया? इसका प्राइस है सर आपका 34500।
34,500 3060 Ti। 3060 Ti ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इसके बाद कौन सा कार्ड होगा? इसके बाद आता है सर 3070 Ti, 3070 RTX कार्ड है, 8GB का कार्ड होता है ये तो काफी अच्छा कार्ड है। इसमें आप 4K लेवल पे गेमिंग, स्ट्रीमिंग, डिजाइनिंग, आप इसमें सारी गेम खेल सकते हैं, सारा कुछ खेल सकते हैं। काफी अच्छी अच्छा कार्ड है ये आपको मिल जाएगा 48,000 का। 48,000 ठीक है, जो टेक 5 ईयर वारंटी। इसके बाद कौन सा कार्ड होगा? इसके बाद आता सर 4070 Ti, 12GB का कार्ड है सर, काफी अच्छा कार्ड है ये, लेटेस्ट कार्ड आया है 4070 Ti। तो इसपे आप, इसपे तो हर तरह की आप गेमिंग कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, जो मर्जी इसपे करो। बहुत अच्छा कार्ड है, नया कार्ड आया है, 4070 सीरीज है। ये कार्ड मिलता है आपको 81,500 का। ठीक है, इसके बाद कौन सा कार्ड होगा? इसके बाद आते हैं सर हम 4080 पे, जो कि 16GB का कार्ड है, एम्प एडिशन है, एम्प एरो। इसपे हम सर हाई लेवल तक जो एडिटिंग, गेमिंग, प्रोफेशनल जो कार्ड गेमर्स होते हैं वो ले सकते हैं, जो एडिटर होते हैं, एडिट करते हैं, तो उनके लिए भी बेस्ट कार्ड है ये, अच्छी गेमिंग कर सकते हैं, प्रोफेशनल 3D गेमिंग कर सकते हैं, यूट्यूब एडिटिंग कर सकते हैं घर बैठ के, तो ये काफ़ी अच्छा कार्ड है। ये है आपका 16GB का कार्ड, ये मिल जाएगा आपको 1,29,000 रुपये का। ठीक है, 1,29,000, 5 ईयर्स वारंटी, जो टैग 5 ईयर वारंटी। इसके बाद कौन सा कार्ड होगा? इसके बाद आता सर 4090, सबसे लास्ट कार्ड यही है 4090। इसके बाद अभी से इसके बाद कोई कार्ड आया नहीं है, तो ये तो उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा बेटर कार्ड है। आप इस पे हाई से हाई लेवल तक आप इस पे जा सकते हैं, आप हाई लेवल की गेमिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, और लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं घर बैठ के। और इसमें आप जो है आर्किटेक्ट जो होते हैं वो, उसका काम भी आपका इसमें हो सकता है। तो ये 24GB का कार्ड है, ये मिल जाएगा आपको 1,65,000 रुपये का। ठीक है, तो ग्राफिक कार्ड के अलावा जो पावर सप्लाई वगैरह है उसका भी प्राइस यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो भैया, यहाँ पे जो Corsair के पावर सप्लाई हैं, इनमें प्राइसेस वगैरह बता दीजिए थोड़ा। जैसे कि हमारे पास Zotac के अलावा Corsair भी है, Corsair में हमारे पास सारी रेंज मिलेगी, जैसे कि DDR5 रैम हो गई, DDR4 रैम हो गई, RGB रैम हो गई, और किट्स हो गई रैम की 32x2, तो सारी वैरायटी हमारे पास Corsair की अवेलेबल है, कूलर से लेकर कैबिनेट, रैम, पावर सप्लाई, हमारे पास सारा कुछ अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें 450 वाट 450 CV 450 80+ ब्रॉन्ज होती है ये, और नॉर्मल सिस्टम के लिए ठीक है, जैसे कि 450 वाट है, इसका प्राइस है 2950। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम 550 वाट CV 550, ये मिल जाएगी आपको 4050 की। बात करते हैं फिर हम 650 CV 650, ये भी 80+ ब्रॉन्ज होती है, ये मिलेगी आपको 5200 की। 5200, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी 750 वाट, जो कि ये भी 80+ ब्रॉन्ज होती है, Corsair CV सीरीज होती है, ये मिल जाएगी आपको 6250। ठीक है, फिर बात करते हैं हम 850E, ये 80+ गोल्ड होती है, ये मिल जाएगी आपको 9800 की। ठीक है, फिर आते हैं इसके बाद 750E, ये 80+ गोल्ड है, ये मिल जाएगी आपको 8650 की। फिर इसके बाद आती है हमारी RM1000E, ये मिल जाएगी आपको 14750, ये भी 80+ गोल्ड होती है। फिर इसके बाद आते हैं हम सर HX1500i, काफ़ी हैवी सप्लाई है, बड़े सिस्टमों में यूज़ होती है, जो हीटिंग प्रॉब्लम ना आए और सिस्टम प्रॉपर काम करें, ये मिलेगी आपको, ये 80+ प्लेटिनम होती है, ये मिल जाएगी आपको 34200 की। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम सर HX1200W, ये आपकी 1200W होती है, 80+ प्लेटिनम होती है, ये मिल जाएगी आपको 21300 की। 21300। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने सभी कार्ड के प्राइसेस जान लिए। इसके अलावा भी ग्राफिक कार्ड के अलावा और क्या क्या सामान मिल जाता है? ग्राफिक कार्ड के अलावा सर हम Corsair का सारा पेरिफेरल्स है हमारे पास, कैबिनेट, रैम,
अपना लिक्विड कूलर हमारे पास सारा है, और एचपी के लैपटॉप हैं, डेस्कटॉप है, हमारे पास सारा चीज़ अवेलेबल है सर। ठीक है, तो अगर किसी को गेमिंग पीसी वगैरह चाहिए तो वो आपसे इंक्वायरी ले सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल यहाँ पे आ सकता है। एक बार दोबारा से कंपनी के बारे में बता दीजिए। जैसे कि हमारी कंपनी का नाम है सनराइज कंप्यूटर, एड्रेस है 201 मंजूषा बिल्डिंग, 57 बिल्डिंग का बिल्डिंग नंबर है 57। तो शिपिंग वगैरह हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर सभी ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस ले लिए। बेसिकली यहाँ पर जो टेक के ज़्यादातर ग्राफिक कार्ड हैं, तो अगर इनमें से आपको कोई भी ग्राफिक कार्ड वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी, व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।